नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। लॉकडाउन के बीच में दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी श्रमिकों का बिहार आना शुरू हो गया है। तेलंगाना से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंच चुकी है, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं खगड़िया स्टेशन पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है। लगातार खगड़िया के जो डीएम हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जितने भी श्रमिक पहुंचे हैं, 3800 जिले के श्रमिक हैं यहां पर मौजूद, ऐसा डीएम साहब का कहना है। वो बता रहे हैं कि जितने भी 38 जिलों के श्रमिक मौजूद हैं उनमें से अधिकांश बांका, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा इलाके के मजदूर हैं। सभी की जांच की जा रही है, उसके बाद उन्हें बसों के द्वारा उनके संबंधित जिलों में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टेशन पर पीपीई किट पहनकर लोग घूम रहे हैं जो उनकी जाँच करेंगे। मजदूर जो दूर दूर से आए हैं, तेलंगाना से पहुंचे हुए हैं मजदूर, काफी खुशी उनके चेहरों पर भी झलक रही है। मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। ये 760 रुपए की कौन सरकार दी है टिकट? अच्छा, आपको पैसा नहीं देना पड़ा है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रज़ाक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला जमुई। वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी बाहर? कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी, खाने पीने की कोई समस्या हो रही थी? हो रही थी ना, लॉकडाउन में काम हो ही नहीं रहा था, तो क्या करते। ट्रेन में सुविधा क्या क्या दी? ट्रेन में क्या क्या सुविधा मिली? जैसे जो सुविधा था वो सुविधा मिला है, खाना वगैरह वो मिला है। दो तीन सीट के जगह पे दो आदमी को बैठा के लाए हैं, आराम से आए। क्या नाम हुआ आपका? बढ़िया फैसला है। जी जी, बहुत अच्छा। क्या नाम? नाम क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रज़ाक। तो पैसे सरकार ने दिए हैं, ऐसा उनका कहना है। ट्रेन में भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है। साथ ही साथ खगड़िया के डीएम इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो तेलंगाना से अभी यहाँ पर आई है पहले, और इसमें सभी 38 जिलों के यात्री हैं। अधिकांश यात्री बांका से हैं और समस्तीपुर और दरभंगा से हैं। यात्रियों की संख्या के अनुरूप यहाँ पर बसें रात को ही आ गई थी सारी और प्लेस कर दी गई हैं, और हम लोग काउंटर पे भी लोगों को बता रहे हैं, साथ ही साथ एग्जिट पॉइंट्स पे भी स्पष्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ बसों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है रूट के अनुसार, ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। लगभग 1300 यहाँ पर अब तक लोग पहुँच चुके हैं, और जो भी एसओपी कर्मी उनकी यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है, एवं पहचान और उनका आवश्यक पंजीकरण हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, और यदि कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो एसओपी के अनुसार उनका सैम्पलिंग कराया जाना है। उनको अभी तुरंत नहीं भेजा जाना है। अभी प्रथम चरण में जो अभी तक का आंकड़ा है उसके हिसाब से 7 लोग अब तक सिम्टोमेटिक मिल चुके हैं, और उन सभी को हम लोग सैम्पलिंग के लिए अभी सदर अस्पताल भेज रहे हैं, वहाँ पर वो रहेंगे। और सैम्पलिंग के उपरांत यदि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है तो संबंधित जिलों को उनको भेज दिया जाएगा। तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अपेक्षा है कि पूरी कार्रवाई 1 से 1.5 घंटे में समाप्त हो जानी चाहिए। सभी यात्री जितने भी हैं सबको फूड पैकेट्स और पानी का बोतल हम लोग काउंटर पर ही उपलब्ध करा दे रहे हैं, और उनकी गाड़ियाँ सुविधाजनक तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई गई हैं और वहाँ पर जाकर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बसेस की संख्या निर्धारित की गई है, तो अपेक्षा है कि यात्रियों को अधिक असुविधा नहीं होगी, और जो मानक है उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी मुझे जानकारी मैंने प्राप्त नहीं की है, लेकिन वो अररिया जिले के थे। जिनसे 3 लोगों से मैंने बात की, वो लोग सीतामढ़ी जिले के थे। उन सबों को हमने एसओपी के अनुसार भेज दिया है काउंसलिंग के लिए। अभी और भी बाकी लोगों का मैं डिटेल्स प्राप्त कर लूँगा, तब जब ये सारी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तब विस्तृत रूप से आपको समझ। तो इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार के 3800 जिलों के मजदूर पहुंचे हैं खगड़िया। अब उन्हें तैयारी चल रही है अलग अलग जिलों में भेजने की, जिस भी जिले से वो संबंध रखते हैं। एक बात और भी सामने आई कि सीतामढ़ी के 3 लोग थोड़े सस्पेक्टेड पाए गए हैं, उन्हें बुखार है, इसलिए डीएम के आदेश के बाद उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर्स में क्वारंटीन किया जाएगा, और ये ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना वायरस के खतरे को किस तरह से रोका जाए। डीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, खाने पीने के पैकेट्स उन्हें दिए गए हैं, और कुछ ही देर में जितने भी लोग हैं उन्हें उनके संबंधित जिलों में छोड़ दिया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।